ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के इस वीडियो में हम तिरुमला में फिजिकली हैंडीकैप्ड सीनियर सिटीजन, मेडिकल कंडीशन वाले लोग और बच्चों के संबंधित कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी देने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हीलचेयर्स अलाउड है कि नहीं, टिकट्स के कॉस्ट कितने हैं, कितने लोगों को अलाउ किया जाता है, मंदिर में कहां से लाइन लगना पड़ता है, कितना टाइम लगता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। TTD ऑफिशियल वेबसाइट में हमें बीच बीच में सीनियर सिटीजन, फिजिकली हैंडीकैप्ड और मेडिकल कंडीशन वाले लोगों के लिए कोटा रिलीज किया जाता है। ऑनलाइन में हमें 1-2 महीने पहले से ही TTD के अपडेट्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे ही इन स्लॉट्स को रिलीज किया जाता है, उन तारीख में ही सीनियर सिटीजन्स, फिजिकली हैंडीकैप्ड और मेडिकल कंडीशन वाले लोगों को दर्शन टिकट्स बुक करना पड़ता है। ये सारे टिकट्स फ्री होते हैं, यानी कि कोई भी पैसा आपको इन टिकट्स के लिए नहीं देना होता। आपको व्यक्ति के डिटेल्स के साथ साथ जो भी उनके साथ जा रहे हैं उनका पूरा डिटेल्स बुक करते समय देना पड़ता है। साथ में 2 टाइम स्लॉट्स अवेलेबल हैं, 10 बजे सुबह का और 3 बजे दोपहर का। सिर्फ शुक्रवार के दिन 10 बजे सुबह का स्लॉट नहीं होता, 3 बजे दोपहर का स्लॉट आपको उपलब्ध होता है। अगर आप ऑफलाइन इन टिकट्स को बुक करना चाहते हैं, तो वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स के पास सीनियर सिटीजन और डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए एक काउंटर है। आप वहां जाकर भी बुक कर सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में आपको टिकट मिलता है। और जिन्होंने ऑनलाइन में टिकट्स बुक किए हैं, वे सुपथम एंट्रेंस नामक एक एंट्रेंस है जो 50 मीटर दूर है वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स से। वहां पे जाकर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके एक वेटिंग एरिया है जहां पर आप आराम से बैठ सकते हैं। अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको पहले ही वहां जाकर वेट करना पड़ता है। वहां पर आपको चाय, कॉफी, नाश्ता, भोजन का भी प्रबंध मिल जाता है, इसीलिए कोई भी दिक्कत नहीं होती, आराम से आप वेट कर सकते हैं वहां पर। उस कॉम्प्लेक्स में आपको व्हीलचेयर भी अलाउड है। TTD के द्वारा बहुत सारे सहायक वहां पे नियुक्त किए गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा असिस्टेंस यानी कि सहायता आपको पहुंचाते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप उन सहायकों से मदद मांग सकते हैं। ये सहायक आपको पूरी तरह से हेल्प करते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं होता। मोबाइल फोन्स और लगेज अलाउड नहीं है, तो ये सारी चीजें आप होटल में रख कर आए, लॉकर्स में भी आप इसे छोड़कर आ सकते हैं। आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक बहुत ही आसानी से आपको दर्शन हो जाता है। शॉर्टकट में आपको दर्शन दिया जाता है ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। छोटे बच्चे यानी कि 1 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई भी टिकट की आवश्यकता नहीं है। उस छोटे से बच्चे के साथ पेरेंट्स भी अलाउड है। इसी एंट्रेंस यानी सुपथम एंट्रेंस के द्वारा 8:30 से 10:30 बजे सुबह और 12:00 से 5:00 बजे दोपहर तक 2 स्लॉट को दिया गया है, जब इन बच्चों के साथ पेरेंट्स जा सकते हैं। बस एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को जरूर कैरी करें, साथ ही आधार कार्ड्स अपने अपने कैरी करना ना भूले। 12 साल और 12 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए भी टिकट्स नहीं है। वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स यानी कि जो नॉर्मल दर्शन लाइन है, उसमें आराम से जा सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। कोई भी टिकट की आवश्यकता 12 और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। तो ये थे सारे अरेंजमेंट्स जो TTD ने किए हैं स्पेशली सीनियर सिटीजन्स, हैंडीकैप्ड पीपल और जिन लोगों को परेशानी है, मेडिकल कंडीशंस है उनके लिए और छोटे से नन्हे बच्चों के लिए। एक बहुत ही जरूरी सूचना जो TTD ने दिया है वो ये है कि दर्शन टिकट्स 300 हो या स्लॉटेड टाइम के हो, 500 के हो, ऑफलाइन में टिकट्स अवेलेबल नहीं है। आप सर्वदर्शन यानी कि फ्री दर्शन कर सकते हैं, जो नॉर्मल क्यू में खड़े होके किया जाता है, या ऑनलाइन बुकिंग द्वारा दर्शन
टिकट्स ले सकते हैं। ऑफलाइन में कोई भी टिकट्स अभी अवेलेबल नहीं है। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करना है और कौन कौन से कैरी करना है फिजिकली हैंडीकैप्ड सीनियर सिटीजन्स और मेडिकल कंडीशन के लोगों के लिए। पहली और जरूरी सूचना जो है वो ये है कि आप हमेशा अपना और अपने फैमिली मेंबर्स के आधार कार्ड जरूर कैरी करें। फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन में अपलोड करना है वो है आईडी प्रूफ, जिससे कि आपका एज पता चले, फिजिकली चैलेंज्ड सर्टिफिकेट जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है उसे अपलोड करना पड़ता है, साथ ही आप एक अटेंडर यानी आपकी सहायता के लिए जिस भी व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं उसके सारे डिटेल्स आपको ऑनलाइन में भरना पड़ता है। उसके बाद आपको जो भी दर्शन टिकट बुक करते हैं आप उसे डाउनलोड करके अपने साथ कैरी करना पड़ता है। आपको फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर दर्शन टिकट, फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या जो भी आईडी प्रूफ आपने अपलोड करते समय दिया है उन सारे चीजों को तिरुमला में भी कैरी करना पड़ता है, यानी कि हार्ड कॉपी कॉम्प्लेक्स में एंटर करते समय दिखाना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मैच नहीं करता जो भी आपने अपलोड किया है दर्शन टिकट को बुक करते समय, आपको दर्शन भाग्य उपलब्ध नहीं होगा। इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें। अब चलते हैं सीनियर सिटीजन्स के डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट की तरफ। सीनियर सिटीजन यहाँ पर 65 एंड अबव वालों को ही सीनियर सिटीजन्स के तौर पर देखा जाता है। उन्हें अपने एज प्रूफ को दिखाने के लिए कोई भी आईडी प्रूफ को सबमिट करना पड़ता है। साथ में ऑनलाइन में बुकिंग करते समय आप अटेंडर ऑप्शन में जाकर आपके साथ आपकी सहायता के लिए आने वाले हैं उनकी भी सारी डिटेल्स आपको फिल करना पड़ता है। उसके बाद आप दर्शन टिकट और आईडी प्रूफ दोनों को कैरी करें और आपको इन दोनों चीजों को सुपतम कॉम्प्लेक्स में दिखाना पड़ता है। हार्ड कॉपी भी आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। जो भी मेडिकल इश्यूज वाले लोग हैं उनके लिए भी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है आधार कार्ड यानी कि आईडी प्रूफ को अपलोड करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो भी आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि अगर आप डायलिसिस पर हैं, हार्ट इश्यूज है, कोई मेजर सर्जरीज है, तो आपको कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट से आपको सर्टिफिकेट्स लेना पड़ता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसे आपको अपलोड भी करना होता है और दर्शन टिकट के साथ साथ उन सर्टिफिकेट्स को भी प्रोड्यूस करना पड़ता है कॉम्प्लेक्स में। तो इस तरह जो भी आईडी प्रूफ आप बुक करते समय दे रहे हैं उसके साथ साथ जो भी सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कर रहे हैं सभी कुछ बुकिंग करते समय और जब भी आप दर्शन के समय आ रहे हैं कैरी करें, ताकि ये दोनों चीजों को मैच किया जा सके और आसानी से आपका दर्शन हो पाए। सबके घर में बड़े बुजुर्ग दर्शन करने के लिए जिद करते हैं और हमें उनकी जिद को मानना चाहिए। कोई आपको परेशानी नहीं होगा। टीटीडी द्वारा बहुत ही पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आप आराम से तिरुमला आ सकते हैं और अगर आपको बुकिंग के द्वारा कोई भी परेशानी हो रही है तो आप टोल फ्री नंबर्स भी अवेलेबल है जहां पर आप कॉल करके जो भी आपके सारे डाउट्स हैं उसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको रूम से तिरुमला मंदिर आने तक कोई परेशानी है तो आप इलेक्ट्रिक बैटरी वाले कार्स को भी बुक कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप उन कार में बैठकर मंदिर परिसर तक पहुंच सकते हैं। टीटीडी कभी भी फेस्टिवल्स के वक्त फिजिकली हैंडीकैप्ड और सीनियर सिटीजन के कोटा को स्थगित करने का पूरा अधिकार रखती है, तो आप समय समय पर टीटीडी अपडेट्स जरूर देखें। जो भी आपका निर्धारित समय है उस समय से एक घंटे पहले ही आप क्यू कॉम्प्लेक्स में यानी कि सुपथम क्यू कॉम्प्लेक्स में आकर वेट करें अपने टर्न के लिए। टीटीडी के अनुसार ड्रेस कोड बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखें कि आप ट्रेडिशनल ड्रेस में ही आएं और भगवान के दर्शन करें। जब भी आप तिरुमला जाए तो आप दर्शन टिकट के साथ साथ एकोमोडेशन टिकट्स जो टीटीडी हर महीने रिलीज करता है उसे भी चेक करते रहें, और जिस दिन भी आपको दर्शन पास मिला है उसके पहले वाले दिन और उस दिन दो दिनों का आप एकोमोडेशन बुक करा सकते हैं तिरुपति में या तिरुमला में, आपके सुविधा के अनुसार
टाइमिंग को प्लान करें और उसी हिसाब से आप एकोमोडेशन को बुक करें। ध्यान रहे घाट रोड को सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक ही खोला जाता है। रात 12 बजे के बाद कोई भी व्हीकल्स, चाहे वो 2-व्हीलर हो या 4-व्हीलर हो या बसेस हो, अलाउड नहीं है। जब भी आप सीनियर सिटीजन्स को तिरुमला लेके आ रहे हैं तो उनके संबंधित जो भी मेडिसिन्स जरूरी है साथ में लेके आए, ताकि उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हो और वे आराम से दर्शन कर पाए। तिरुमला के रिलेटेड बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स और जरूरी इन्फॉर्मेशन इस चैनल में आपको मिलते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूले, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।